तो बच्चों नेक्स्ट है रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड। हम इसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आपको पता ही है केमिकल रिएक्शन चल रही इथर की, ठीक है। एक वीडियो पहले ही जारी हो चुका है इसका हैलोजन एसिड के साथ। तो इसमें जो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन हुआ है वो दो तरीके से कर सकते हैं इथर, ठीक है, एक डायल्यूट के साथ और एक कंसेंट्रेटेड के साथ। तो फर्स्ट है डायल्यूट के साथ। तो जो इथर है, इथर ये डाइल्यूट का मतलब है वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक है बच्चों, ज्यादा होगा इसमें वाटर और H2SO4 भी होगा इसमें डाइल्यूट, ठीक है। और अंडर प्रेशर, ये रिएक्शन होगी तो इसमें क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। क्या फॉर्म होगा बच्चों, अल्कोहल। सभी बच्चे नोट कर लें, ether when react with dilute sulfuric acid under pressure to form alcohol। अब next है इसमें example ले लो पहले इसका, एक वैसे पता तो है ही आपको CH3CH2O CH2CH3 डाइथाइल ether आपने ले लिया, ठीक है। और इसकी रिएक्शन कर दी आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अंडर प्रेशर, ठीक है। तो क्या बनेगा इसमें, CH3CH2OH एथेनॉल फॉर्म हो गया। क्या बनेगा बच्चों, एथेनॉल, ठीक है। तो सभी बच्चे नोट कर ले इसे। सभी बच्चों ने नोट कर लिया। अब नेक्स्ट है इसी का सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में क्या होगा, जो इथर है वो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। कहीं के साथ, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है। और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म होगा आप देख लो, H2SO4। अब की बार हमने कैसा लिया, कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। तो इसमें जो ईथर है जब वो रिएक्ट करेगा कहीं के साथ, कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो इसमें अल्कोहल भी बनेगा और क्या बनेगा, हाइड्रोजन सल्फेट प्रोडक्ट भी बनेगा एक, ठीक है। यानी एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट भी इसमें बनेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। किस तरीके से, आर OH, ये तो अल्कोहल बन गया, ठीक है। अब हाइड्रोजन सल्फेट का मतलब क्या होता है, R OSO2HOH, ठीक है। ये क्या है, एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है बच्चों, एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट भी फॉर्म होगा इसमें। तो सभी बच्चे ध्यान दें, अगर ईथर की हम रिएक्शन कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं तो क्या फॉर्म होगा इसमें, एल्कोहल बनेगा, ठीक है। और क्या बनेगा इसमें, एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। एग्जांपल ले लें सभी बच्चे इसका, CH3CH2O CH2CH3 डाइथाइल ईथर ले लिया और इसकी रिएक्शन कर दी हमने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है बच्चों, और इसे हीट कर दिया तो क्या बनेगा, CH3CH2OH एथेनॉल कह लो या इथाइल एल्कोहल कह लो, और CH3CH2OSO2OH इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है बच्चों। तो आपने देखा जब डाइथाइल ईथर रिएक्शन कर रहा कहीं के साथ कंसंट्रेटेड के साथ, तो दो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, इथाइल एल्कोहल
और एथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं आपको एक बात बता दूं, जो सेकेंडरी और टर्सरी इथर होते हैं उनमें जो मेन प्रोडक्ट होगा वो एल्कीन होगा, ठीक है। ये सिर्फ 1 डिग्री में ही एल्कोहल और क्या बन सके, एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। इस चीज का आप ध्यान रखियो बच्चों, अगर आप इसमें सेकेंडरी या टर्सरी एल्कोहल यूज करोगे तो क्या फॉर्म होगा इसमें, एल्कीन, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो, CH3, 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 OCH3, ठीक है। पहले भी हमने आपको करा, टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, ठीक है, प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, हमने बताया क्या बनेगी बच्चों, एल्कीन फॉर्म होगी, ठीक है, ये याद रखियो। इसमें जो मेन प्रोडक्ट होगा वो एल्कीन होगा और ये बन जाएगा मैथेनॉल CH3OH, ठीक है बच्चों, एल्कीन बनेगी। जैसे इसका नाम क्या है, आइसोब्यूटाइलीन, ठीक है। इसी तरीके से आप कुछ भी फॉर्म कर सकते हो उसमें, अपनी मर्जी से जितने कार्बन लोगे ऐसे ही एल्कीन चेंज होगी। अब नेक्स्ट रिएक्शन है विद फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, रिएक्शन विद फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड थर्ड, रिएक्शन विद फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है बच्चों, तो हम है ना इसकी रिएक्शन अब कहीं के साथ कराऊंगे, इथर की फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करा रहे, ठीक है। डायरेक्ट एग्जांपल देख लो, डाइथाइल इथर ले लिया, CH3CH2O CH2CH3, ठीक है। कई बार हमने इसका नाम बता लिया, इसलिए नाम तो आपको पता लग ही गया होगा, फिर भी लिख दें हम डाइथाइल इथर, ठीक है। ये रिएक्शन करेगा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 के साथ और हम इसे हीट कर देंगे, तो क्या फॉर्म होगा इसमें, CH3CH2Cl, एथाइल क्लोराइड। ठीक है, प्लस POCl3। सभी बच्चे नोट करते रहे, यानी कि जब इथर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तो एल्काइल हैलाइड फॉर्म होता है, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट है रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड, आसानी रिएक्शन है इसकी, रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। ये चीजें आपको पहले भी करवाई गई, एसिड क्लोराइड आपको पता होना चाहिए क्या होता है और एनहाइड्राइड बार बार आती है रिएक्शंस, ठीक है, आप याद रखियो ना। तो सबसे पहला आप इसका एग्जांपल देख लो, CH3CH2O CH2CH3 प्लस CH3COCl, तो ये एसिड क्लोराइड है, ठीक है बच्चों। एसिटिल क्लोराइड वैसे इसका नाम होता है, क्या होता है, एसिटिल क्लोराइड, ठीक है। इसके साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा इसमें, एक तो एस्टर बनेगा और एक क्या बनेगा, ये बनेगा एल्काइल हैलाइड, आपने जो अभी अभी देखा, ठीक है।
CH3CH2Cl प्लस CH3CO CH2CS3। ठीक है बच्चों, एक तो ये पार्ट है इसका, ये ठीक है, इधर माइनस प्लस, तो माइनस प्लस के साथ इसी तरीके से जुड़ेगा। तो अब आप देख लो, ये माइनस ये वाला पोर्शन इसका, तो ये इसके साथ अटैच हो गया, और ये प्लस वाला पोर्शन जो है ये इसके साथ अटैच हो गया। एल्काइल हैलाइड यानी एथाइल क्लोराइड बन गया और एथाइल एसीटेट फॉर्म हो गया। और क्या बन गया बच्चों? एथाइल एसीटेट। सभी बच्चे नोट कर ले। अब अगर हम इसकी रिएक्शन कहीं के साथ करें, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो क्या बनेगा वो देख लो। इसी में ही CH3CH2O CH2CS3CS3CO ये होता है बच्चों एसिटिक एनहाइड्राइड। आप इसे चाहे किसी भी तरीके से लिख सको, ठीक है। ये क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, क्या है बच्चों? ये एसिटिक एनहाइड्राइड। और ये जो रिएक्शन हम कराते हैं वो एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के, पहले वाले में भी एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में होती है। ठीक है बच्चों, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन करता है इसके साथ, यानी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन होंगी। तो इसमें आपने देखा है जो डाइथाइल ईथर है वो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में अगर हीट कर दें तो इसमें क्या बनेगा बच्चों? CH3CO CH2CS3। ठीक है, इथाइल एसिटेट फॉर्म होगा इसमें। क्या फॉर्म होगा? इथाइल एसिटेट, सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, तो ये आप याद रखियो, ये डाइथाइल ईथर है, बार बार हम बता रहे हैं आपको डाइथाइल ईथर एसिटिक एनहाइड्राइड। इसे हम इस तरीके से भी लिख दें, CH3CO की ओल्टोवाइस करके इस तरीके से। ठीक है, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? इथाइल एसिटेट। ठीक है बच्चों, तो ये रिएक्शन थी जिसमें हमने आपको बताया था किसका क्लीवेज होता है, सीओ का। ठीक है बच्चों, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड ब्रेक होता है वो था। अब हम आपको कुछ ऐसी रिएक्शन बताऊंगे जो इसमें इथरल ऑक्सीजन होती है, यानी जो इथर के साथ ऑक्सीजन होती है उसकी वजह से कुछ रिएक्शन होंगी। ठीक है, यानी रिएक्शन ऑफ द इथरल ऑक्सीजन। तो नेक्स्ट है ऑक्सीजन, कुछ रिएक्शंस हैं जो इथरल ऑक्सीजन। इथरल का मतलब क्या होता है? जो इसमें इथर में ये ऑक्सीजन होती है, ये इसकी वजह से रिएक्शन होती है कुछ। इसका रीजन क्या है इसमें? क्योंकि ये लुईस बेस की तरह वर्क करता है। क्या करता है बच्चों? लुईस बेस की तरह। ठीक है, इसी वजह से ये कंसेंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्शन कर सके। ठीक है बच्चों, या फिर कहीं के साथ लुईस एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सके जब ये लुईस बेस है। तो दोनों के साथ हम आपको अभी रिएक्शन करके दिखा रहे हैं। पहला है रिएक्शन या फिर एक्शन ऑफ कंसेंट्रेटेड एसिड। रिएक्शन विद कंसेंट्रेटेड एसिड। ठीक है बच्चों, कंसंट्रेटेड का मतलब होता है सांद्र, गाढ़ा। ठीक है, हिंदी में अब बार बार ये वर्ड आता है तो इस चीज का ध्यान रखा करो। इसमें ऑक्सोनियम साल्ट का फॉर्मेशन होगा।
ऑक्सोनियम साल्ट्स का फॉर्मेशन होगा बच्चों इसमें, ठीक है। किस तरीके से होगा अब आप उसे देख लो। जैसे हमने अभी आपको बताया एग्जांपल, इसमें जो इथरल ऑक्सीजन होगी ये वाली, यानी इथर के साथ जो ऑक्सीजन जुड़ रही हो, इथरल ऑक्सीजन, ये इस पर लोन पेयर है, लोन पेयर है। और जो लुइस ने कहा था वो कहा था कि जिस पर लोन पेयर होते हैं वो लुइस बेस होगा, यानी जो दो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है वो लुइस बेस कहलाएगा, जो एक्सेप्टर होता है वो लुइस एसिड कहलावे, ठीक है बच्चों। तो इसी वजह से जब हम इसके साथ रिएक्ट कराओगे कंसंट्रेटेड किसी भी एसिड की, जैसे HCl ले लिया, तो ये क्या है, आपको पता है इस पर नेगेटिव चार्ज है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कहां अटैक करेगा, ये इसके साथ अटैक करके इसके साथ अटैच हो जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से ये। या फिर आप इसे अगर यहां लिखना ना चाहो तो यहां पे भी लिख सकते हो, मर्जी आपकी। तो इस तरीके से ऑक्सोनियम सॉल्ट का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, ठीक है। आपको पता है इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये कहां अटैक करेगा, वहां अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी। तो इस तरीके से क्या बन गया बच्चों, ऑक्सोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा एसिड के साथ। आप H2SO4 ले लो, कुछ ही ले लो, आप अगर H2SO4 लोगे तब क्या होगा, HSO4 बाहर आ जाएगा इसी तरीके से, ठीक है। एग्जाम्पल आप लेना चाहो, एग्जाम्पल ले लो CH3 CH2 CH3 CH2, बात तो वही है सब, H2SO4 ले लो, ठीक है। CH3 CH2 CH3 CH2 HSO4, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा ऑक्सोनियम सॉल्ट, ठीक है। जैसे इसका नाम देख लो, डाइथाइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, डाइथाइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, सभी बच्चे नोट कर लें इसे, ठीक है बच्चों। सभी बच्चे प्रॉपर देख रहे, सभी को नजर आ रहा ना, कोई ऐसा तो नहीं है कोई चीज कट रही हो, ठीक है। अभी आपने देखा रिएक्शन हमने कहीं के साथ करी, एथरल ऑक्सीजन की वजह से स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, ठीक है। अब इसी में हम नेक्स्ट रिएक्शन जो कर रहे, फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, जैसे हमने कहा जो इथरल ऑक्सीजन होती है बच्चों ये वाली, इसी की वजह से रिएक्शन पॉसिबल है। ये हम बार बार बता रहे किसकी तरह है, लेविस बेस की तरह वर्क करती है, ठीक है। तो हम इसकी रिएक्शन के इनके साथ BF3, जैसे लुइस एसिड है आपको पता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है इसमें, क्या है लुइस एसिड, तो सोल्ट बनाओगे ये भी, ये कहां अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से इसके साथ क्या कर लेगा, ये रिएक्शन कर लेगा, आसानी है। फिर भी अगर आप चाहते हो मैं करके दिखाऊं तो ये देख लो, ठीक है, BF3 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म होता है, आपने 11th में पढ़ी होगी। तो इस तरीके से आप सारी रिएक्शन कर सकते हो यहां पे, अगर आप एग्जांपल के तौर पर डाइथाइल ईथर लेना चाहो तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, CH3 CH2 CH3 CH2, ठीक है, यहां पर भी CH3 CH2 CH3 CH2। तो सभी बच्चे नोट कर ले से, ठीक है। और इसका नाम क्या होगा, बोरोन
ट्राइफ्लोराइड एथरेट, बोरोन ट्राइफ्लोराइड एथरेट। वैसे ही ना जो ये प्रोडक्ट बनाओगे ना ये इन्हें एथरेट कहा जाए, क्या कहा जाए, एथरेट कहा जाए। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस होता है एल्यूमिनियम क्लोराइड वगैरह या फिर जिंक क्लोराइड इस तरह के जो लुईस एसिड है, वो जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है वो इस तरीके से लुईस बेस के साथ रिएक्ट करके एथरेट अपने फॉर्म कर सकते हैं। जैसे ग्रिगनार्ड रिएजेंट आप देखते होंगे, ठीक है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट किस तरीके से एथरेट बना होगा उसके एग्जाम्पल भी आप देख लो। ठीक है, इसके उसमें दो मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, ग्रिगनार्ड रिएजेंट का आपको फॉर्मूला पता ही होगा क्या होता है, RMgX, ठीक है, ये होता है। तो ये कहां अटैक करेगा, मैग्नीशियम जहां इलेक्ट्रॉन की क्या होगी डेंसिटी आई होगी, ठीक है, और उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना होगा बच्चों, अपना एथरेट फॉर्म करेगा। तो सभी बच्चे देख लें, इस तरीके से, ठीक है, तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट एथरेट कहा जाएगा। ऐसे क्या कहा जाएगा, ग्रिगनार्ड रिएजेंट, क्योंकि ये क्या होता है बच्चों, ग्रिगनार्ड रिएजेंट होता है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ग्रिगनार्ड रिएजेंट एथरेट। तो इस तरीके से आपने देखा हम क्या कर सके हैं बच्चों, इसके जो लुईस बेस यानी एथरल ऑक्सीजन है इसकी हेल्प से आपने देखा होगा बहुत सारी में जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट है यूज किया जा उसका एथरल सॉल्यूशन यूज करा जा, क्योंकि वो क्या बना सकता है, एथरेट बना सकता है। ठीक है, तो ये इसकी रिएक्शन थी कुछ। अब जो रिएक्शन हम आपको करा रहे वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो सिर्फ एरोमेटिक रिंग देती है, वो भी आप देख लो। तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आपको पता है ये एरोमेटिक रिंग जो होती है वो देती है इन रिएक्शंस को। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन देगा इसमें, एनिसोल। एनिसोल के बारे में हमने आपको बताया था, तो उसकी भी केमिकल प्रॉपर्टी है इसमें, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी आप कर लेना। ठीक है, मैं आपको पहले थोड़ा सा इसका ये बता दूं कि ऑर्थो पैरा पे इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई किस तरीके से होती है वो देख लो, क्योंकि ये क्या करे प्लस आर इफेक्ट शो करता है। क्या करेगा, प्लस आर इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट का मतलब क्या है वो अभी आपको मैं समझा रहा हूं।
तो सभी बच्चों को पांच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख रही होंगी, ठीक है, ईथर की, एरोमेटिक ईथर की, एनिसोल की, कोई भी आप रख सकते हो यहां। आर क्या है? एल्काइल ग्रुप होगा, ठीक है। तो सभी बच्चे देखो, इस पर लोन पेयर होता है, और जो प्लस आर इफेक्ट क्या है, इसमें लोन पेयर अंदर की ओर शिफ्ट होते हैं, ठीक है, बाहर से अंदर की ओर चलते हैं, और इसकी ऑर्थो और पैरा और ऑर्थो, दो ऑर्थो और एक पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या कर देंगे, आप देख लो आपके सामने, ये इंक्रीज कर देंगे। दो ऑर्थो पोजिशन और एक पैरा पोजिशन, मेटा पोजिशन पे कोई चेंज नहीं होता, यानी जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो ऑर्थो पोजिशन पे, ऑर्थो पोजिशन पे, पैरा पोजिशन पे और ऑर्थो पोजिशन पे क्या होगी, इंक्रीज होगी, आप सभी को दिख रहा होगा, ठीक है। तो मेटा पोजिशन जो कि ये होती है, इस पे आपको पता कोई रेजोनेंस इफेक्ट नहीं होता, ठीक है, तो इसी वजह से इस पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी इनके रिलेटिवली, ऑर्थो और पैरा। तो जो भी इसमें प्रोडक्ट बनाएंगे वो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। सभी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आपको पांच जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो बता रहे, कौन कौन सी हैं पांच। सबसे पहले हैलोजिनेशन, फर्स्ट क्या है बच्चों, हैलोजिनेशन, ठीक है। हैलोजिनेशन में हम क्या करेंगे, जो कि एनिसोल है, एनिसोल OCH3, ठीक है, एनिसोल है ये, या मिथोक्सी बेंजीन भी आप इसे कह सको, मिथोक्सी बेंजीन भी आईयूपीएसी नेम है इसका। ये रिएक्ट करा अगर ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है, या एथेनोइक एसिड भी आप कह सको। हैलोजिनेशन क्या होता है, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हम कई बार आपको बता चुके, हैलोजन का एडिशन यानी हैलोजन के साथ रिएक्शन जो होगी वो हैलोजिनेशन कहलावे, ठीक है बच्चों। और अभी हमने बताया इसमें क्या बनेंगे, ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनाएंगे, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई होगी, इसी वजह से क्या बनेंगे बच्चों, इसमें ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। तो ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड, तो टू ब्रोमो एनिसोल भी आप इसे कह सको, या ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल भी आप इसे कह सको। अब काउंटिंग यहां से शुरू होगी, ठीक है बच्चों। तो इसे आप क्या कह सको, पैरा ब्रोमो एनिसोल भी कह सको, और इसे फोर ब्रोमो एनिसोल भी कह सको। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। अब सेकंड है नाइट्रेशन, सेकंड वन क्या है बच्चों, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में आपको पता नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराई जाती है, और जो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक होता है वो NO2 पॉजिटिव होता है। सारी बातें हमने 11th में भी बता रखी है और पिछली वीडियो में भी हैं, ठीक है। तो इसमें NO2 रिएक्ट करता है, NO2 प्लस होता है जो कि इलेक्ट्रोफिलिक होता है, ठीक है। तो एनिसोल रिएक्ट कराएगा कहीं के साथ, एनिसोल रिएक्ट कराएगा कहीं के साथ, कंसंट्रेटेड HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो इसमें भी जैसे हमने कहा ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट ही फॉर्म होंगे, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो रही, हाई हो रही। तो आप देखो क्या बन गया, ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल, ठीक है। और वो पैरा नाइट्रो एनिसोल होगा। तो इस तरीके से नाइट्रेशन भी, यानी कि वैन एनिसोल रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट, ठीक है, यानी ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल और
पैरानाइट्रो एनिसोल। अब है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन भी आपको पहले भी कराया गया, लेकिन यहां पे क्या है, मेन जो रिएक्टेंट होते हैं वो बदल देंगे। इसमें भी और तौर पैरा प्रोडक्ट बनेंगे। तो सभी बच्चों को दिख रहा होगा हमने क्या कहा, इसमें क्या है, क्या बढ़ जा बच्चों, इसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और थोर पैरा पोजिशन पर बढ़ जा, तो इसी वजह से और थोर पैरा प्रोडक्ट ही बनेंगे। तो इसमें क्या होगा, ऑर्थोमिथोक्सी। अब की बार जो काउंटिंग है वो यहां से शुरू होगी, ठीक है, क्योंकि जो सल्फोग्रोफ होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है, उसी वहीं से काउंटिंग शुरू होगी जहां ये जुड़ रहा होगा। तो टू मिथोक्सी भी आप इसे कह सको, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, और ये फोर मिथोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड होगा, सभी बच्चे नोट कर लें। अब नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, दो रिएक्शन होती हैं उसकी, तो दोनों हम करा देंगे, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है, देख लो पहले। आपको हमने बता रखा जो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है उसमें मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, ये एनिसोल है। एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में कंप्लीट होती है ये। इन सब का मैकेनिज्म हमने 11th में कराया, ठीक है बच्चों, किस तरीके से नाइट्रेशन सल्फोनेशन और जिसके जरूरत होती है मैकेनिज्म का, हम यहाँ पे भी करा रहे, लेकिन इसका मैकेनिज्म नहीं है, फिर भी मैं बता दूं, इसमें जो CH3 होता है CH3+ वो इलेक्ट्रोफिलिक होता है, यानी वो ही अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसे जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेंगे वहीं पर क्या करेगा, ये अटैक करेगा, और वो पोजिशन कौन सी है, वो है बच्चों ऑर्थो और पैरा पोजिशन। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम क्या लिखे हैं, मेन प्रोडक्ट लिखे हैं, नहीं तो वैसे इसमें HCl भी बने जैसे पहले रिएक्शन में H2 वगैरह, लेकिन उसे लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है, सिर्फ मेन प्रोडक्ट लिखते हैं हम इसके अंदर। तो ये क्या होगा, ऑर्थोमिथाइल क्या होगा, टोलुइन, अगर आप इसे टोलुइन कहना चाहो तो क्या कहोगे, टोलुइन के नाम से भी आप इसका नाम रख सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी, नहीं तो ऑर्थो मिथाइल एनिसोल, ठीक है बच्चों, पैरामिथाइल एनिसोल, ऑर्थो मिथाइल एनिसोल और पैरामिथाइल एनिसोल। अब एसाइलेशन ले लो, आखिरी रिएक्शन है, फिर इधर खत्म हो जाएगा। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है बच्चों, एसाइलेशन। तो इसमें क्या होगा, सेम रिएक्शन होती है, बस इसमें क्या बदल जा, रिएक्टेंट बदल जाएगा, वो सबस्ट्रेट CH3 CH3 COCl एसिटिल क्लोराइड आ गया, ठीक है बच्चों, और एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में ही होगी एनहाइड्रस। इसमें भी वही ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट कौन होंगे,
इसमें जो पॉजिटिव चार्ज होता है इस वाले ग्रुप पर हुआ है पूरे पर CH3CO पे, तो क्या होगा इसमें CO CH3 एसीटोफिनोन का आ जाए इसे, तो काउंटिंग यहां से शुरू होगी ठीक है। तो क्या होगा 2-methoxyacetophenone, क्या होगा इसका नाम 2-methoxyacetophenone और इसका 4-methoxyacetophenone। तो ये थी बच्चों इसकी केमिकल रिएक्शन ईथर की ठीक है बच्चों। अब ये सभी बच्चे नोट कर लें, फिर इसके कुछ यूज देख लो, हालांकि यूज तो बच्चे खुद भी कर सके हैं, फिर भी जो ईथर है उसका सबसे बड़ा यूज जो होता है बच्चों वो एज ए सोलवेंट होता है, जैसे ऑयल्स है, रेजिन है, जेल्स वगैरह है, उनमें यूज किया जाए, यानी एज ए सोलवेंट इंडस्ट्रियल जो प्रोसेस होते हैं उनमें एज ए सोलवेंट यूज किया जा ठीक है। और इसका एनेस्थेटिक के रूप में यानी बेहोश करने में, सर्जरी वगैरह में भी काफी यूज होता है ठीक है। अभी आपने देखा जैसे एथ्रेट ग्रेनाड रिएजेंट वगैरह इस तरह के कंपाउंड या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के फॉर्मेशन में भी ईथर का काफी यूज होता है, तो आप इस तरीके से इसके यूज भी कर सकते हो।